लेगा वो जब ताकत बनेगी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज की जो बैठक 36 कौम की रखी गई थी, ये बैठक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ है। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट विनर हो। आज हमारे विधानसभा के यहाँ से 10 कैंडिडेट थे, वो सारे लोग बैठे हैं और 36 कौम में जो प्रत्याशी घोषित हुआ है उसके खिलाफ जन आक्रोश फैला हुआ है। वो जन आक्रोश विकास के मुद्दे पे क्षेत्र का मामला, जनता इतनी दुखी है कि विकास का मामला लेके देखो, चाहे संगठन का मामला देख करके देखो, चाहे हमारे नगर पालिका के बोर्डों का मामला देखो। उन्होंने धन बल के बदौलत पे नगर पालिका के चेयरमैन भी चुने, वो कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से और हम जो कैंडिडेट हैं वो 36 कौम के अंदर हम जाएंगे और जनता की अनुरूप क्या उनकी आवाज है अंदर, आज पूरे क्षेत्र में दबी हुई आवाज है। आप और हम सब जानते हैं हम नहीं चाहते कि हमारी सीट जाए, इस चिंता के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये चिंता हम आने वाली हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जनता के सुख दुख में हम खड़े रहें। मगर ऐसा कैंडिडेट हमें जो दिया है वो बहुत दबी आवाज में जनता में भारी आक्रोश है, इसलिए संगठन से हमारा आग्रह है कि आने वाले समय, अभी भी समय है, उस कैंडिडेट को बदल करके योग्य उम्मीदवार उतारें। और आज शायद रेती का मामला देखो, वो रेती का मामला हर जनता में दुख लेके चल रहे हैं। चाहे रोडों का मामला देखो, चाहे यहाँ रेती के मामले रोल्टी वालों ने कितना अपराध किया, कितने लोगों को पीटे, कोई यहाँ बोलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा यही निवेदन है, हम सारे जनता यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे विकास का मामला हो, हम 15 साल से भुगती रहे हैं। आगामी जनता में आक्रोश है, सीट नहीं जाए, मगर यहाँ जनता के विकास के लिए तो बात आप और हमको उठानी पड़ेगी, जनता के साथ में रहेंगे। मेरा तो आग्रह इन कैंडिडेटों से भी है कि आज ये 36 कौम जगाने के लिए दबी हुई आवाज है, उस आवाज को उठाने के लिए हम सब कैंडिडेटों को गांव का जाना होगा, गांव में जाकर के बात रखनी होगी कि जो निर्णय कराए आप हमारे साथ में थे, मगर पार्टी ने जो निर्णय था उस निर्णय के अनुरूप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगामी 8-10 दिन दौरे करें, पंचायतों में जाएं, जनता के बीच में जाएं, क्या उनकी आवाज है और जो उसकी राय होगी वो जनता कहेगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही मेरा कहना है। इतनी ही बात कह के मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।